जो है हम लोग जो है ओके अभी हम लोग शहरीकरण में जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पे क्या होता है, हम जब भी कोई एक सिटी से दूसरी सिटी को चेंज कर रहे हैं, ग्रामीण प्रवेश से शहरीकरण में हम लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक जो है एक सडनली चेंजेस, उसमें अचानक से चेंजेस आ रहे हैं, और ये अचानक से जो चेंजेस आते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही अलग ही होते हैं। ओके यस, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो रिस्क लाती है और क्या चीजें हैं जिसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, जिन चीजों में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, लिख लीजिए, जिन चीजों में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते वो क्या है, एज, आपकी अगर आप मेन है जेंट्स है तो 45 की प्लस की एज में आपको ध्यान देना पड़ेगा, यस, इसको आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद में क्या होता है, हार्ट डिजीज के जो है खतरे बढ़ जाते हैं, लेडीज के अंदर क्या होता है 55 की एज के बाद में ये चैलेंजेस आने लग जाते हैं। रेस्ट, मतलब आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस प्रकार जो है आपका लाइफस्टाइल है, फैमिली हिस्ट्री आपका किस प्रकार का है, आप जेंट्स है या लेडीज है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या है आपकी एज फैक्टर का भी काम होता है, और कुछ चीजें जो है आपके हाथ में होती है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, अल्कोहल और फिजिकली इनएक्टिविटी, मतलब फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना, ये सब चीजों में आप बदलाव कर सकते हो। कुछ इधर जो फर्स्ट टाइम दिखा रहती है उसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन यू कैन, आप इन चीजों को कर सकते हो, इन चीजों में बदलाव कर सकते हो। आपको ये समझना है कि इन चीजों को आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। यस, एंड नेक्स्ट करेंगे, यस, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या है, कोलेस्ट्रोल एक तरह का फैट है, और ये फैट जो है हमारी जो भी ब्लड वेसल्स होती है, खून जो ब्लड होता है वो सिराओं और धमनियों में जो आता जाता रहता है, वहां पे हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रोल ये एक तरह का फैट होता है, और ये वहां पे स्रावित होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए चाहिए भी होता है। किस लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बाहर का टेम्परेचर और हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को फैट की जरूरत होती है, और फैट में मीन्स कोलेस्ट्रोल की जरूरत होती है। नेक्स्ट करेंगे सर, कोलेस्ट्रोल भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और ये हमारी कितनी परसेंट हमारी बॉडी बनाती है और कितनी परसेंट हमें खाने से लेते हैं। सबसे पहला 65% कौन बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर लीवर बनाता है, और 35% हम लोग बाहर से लेते हैं, और अगर हमारा लीवर जो बना रहा है वो 65% और बाहर से भी हमने 35% जो है अनहेल्दी वाला है ना, अनहेल्दी वाला एलडीएल वाला बॉडी के लिए बहुत ही जो है घातक होता है। यस, अगर हम इन चीजों को एनिमल फैट या मीट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो हमारे लिए बॉडी के लिए सही नहीं होता है। यस, नेक्स्ट करेंगे, ये गुड वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल मैंने आपको बताया है। यस, एलडीएल क्या करता है, हमारे नसों को ब्लॉक करने का काम करता है, और एचडीएल क्या काम करता है, हमारी बॉडी को एक हाई स्टेमिना देने का काम करता है, और इसे आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं मैं बता देता हूँ, हम इसे एक्सरसाइज के दौरान बढ़ा सकते हैं। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे हम एक्सरसाइज कर करके हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओबेसिटी, यस, आज एवरेज अगर हम लोग बात करें हर इंडियन का 10 से लेकर 30% वो नॉर्मली जो उनका बॉडी वेट है उससे ओवरवेट है, और ये ओबेसिटी जो है ये क्या काम करती है, 2 से लेकर ओबेसिटी हमारी जो है 2 गुना से लेकर 6 गुना तक हमारे हार्ट डिजीज को बढ़ाने का कारण है, और नॉर्मली वेस्ट हिप रेशियो कितना होना चाहिए ये आप समझ लीजिए, आपका वेस्ट हिप रेशियो होना चाहिए 0.85 मीटर वुमन के अंदर और 0.95 फॉर मेन, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका 33 इंचेस का अगर आपका कमर है और उससे अगर आपका जो है बढ़ रहा है, अगर आपका कमर उससे बढ़ रहा है तो इट मीन्स ये हार्ट डिजीज का खतरा आपको पहुंचा सकता है। अगर मेन जेंट्स के अंदर जो है 35 के बाद में अगर वो ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा इंच की आप अगर पैंट पहन रहे हैं, कमर साइज आपका ज्यादा है, तो वो आपको ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब आपको डिसाइड करना है, दो तरह का शेप होता है, नेक्स्ट,
दो तरह का ग्रेप होता है, एक होता है पियर एंड एक होता है एप्पल। यस, पियर मीन्स अनानासपति। उसमें क्या होता है, ऊपर से एकदम इस प्रकार के होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से हाई एंड हिप्स आपके ज्यादा होते हैं। और सेकंड क्या होता है, एप्पल साइज। एप्पल साइज में क्या होता है, पेट भी बड़ा, सीना भी बड़ा और हिप्स भी बड़े। तो ये दोनों ही साइज आपके लिए गलत होती है। ये दोनों साइज में आपको कभी नहीं जाना है। आप चेक कीजिए आपका बॉडी फेट किस प्रकार का है, आपका शेप किस प्रकार का है, या हायर रिस्क है आपके हार्ट डिजीज के लिए भी। नेक्स्ट, यस, फिजिकली अनएक्टिविटी। यस, जब भी हम लोग है ना सोते हैं तो हमारे को एक विचार आता है, कल तो सुबह से पक्का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एवरी मॉर्निंग माय ब्रेन टेल्स टू मी एक्सरसाइज। वो एवरी मॉर्निंग में जब हम सुबह में सो रहे होते हैं, हमारे माइंड में एक मैसेज आता है कि चलो एक्सरसाइज करते हैं। बट होता क्या है, नेक्स्ट करेंगे सर, होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सेकंड हमारे दिमाग में आता है, अरे यार रहने दो, ये ना हम लोग कल से करेंगे, आज थोड़ा ठंड ज्यादा है, आज थोड़ा बारिश ज्यादा है, तो एक्सरसाइज हम लोग है ना कल से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली अनएक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं। यस, ओके, यस। सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनका भी जो है इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर जो है उनका रहता है, उनका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल वो लो हो जाता है, उनका आर्टरी और उनके ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं मोर देन 4000 केमिकल। यस, ये आप समझिए कि जो हम सिगरेट यूज करते हैं ना, कोई सिगरेट पीते हैं, आप में से कोई नहीं पीते होंगे मेरे हिसाब से, अगर कोई पीते हैं आपकी फैमिली में, तो आप समझिए 4000 तरह की केमिकल मिलकर सिगरेट बनती है। ऐसे ही उसमें टेस्ट और इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, समझिए बात को। और जिसमें से 200 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से पॉइजन का काम करते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, वो केमिकल भी उसमें ऐड किए जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप ये आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आप समझिए, देखिए इस चित्र को देखिए, आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, ये दोनों सिगरेट सोच रही है अब नेक्स्ट नंबर किसका लेना है। इतने सारे लोग पैकेट के अंदर भरे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि आप किसको टपकाना है, मतलब लेके जाना है नेक्स्ट। तो आप समझिए, आप सिगरेट नहीं पी रहे, सिगरेट आपको पी रही है। एल्कोहल कंजप्शन, अगर आप एल्कोहल कंजप्ट करते हैं तो हार्ट डिजीज के रिस्क और ज्यादा होते हैं। ये क्या करता है, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फेट होता है, और फेट के साथ साथ में क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी जस्ट डबल, मतलब 100 ml अगर आपने लिया तो इसके अंदर 200 कैलोरी होती है। और ज्यादा कैलोरी क्या होती है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करती है। यस, और जब भी हम कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं कोई भी पर्सन, तो आपका जो आहार नाल है वो आपका जो है डैमेज हो जाएगा। सेकेंड, आपका कार्डियोवास्कुलर जो है प्रॉब्लम आपको होने लग सकता है। या नेक्स्ट, तो एल्कोहल कंजप्शन आपको कम से कम करना है। और उसके बाद में जिसको भी डायबिटीज है उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब उनके तो अमेजिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और 2 से 3 गुना हाई रिस्क है कि हार्ट डिजीज उनको हो सकती है। 80% जो लोग मरते हैं ना हार्ट डिजीज वाले, मतलब जो डायबिटिक वाले हैं, उनको हार्ट की डिजीज होती है। 80% जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनको लास्ट एंड कंडीशन क्या होते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, और उनको पता भी नहीं चलता है। यस, यस, रिस्क ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू अगर हम लोग बात करें कि तो नो क्लियरेंस फॉर दिस। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले पता चलेगा कि आपके हार्ट में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा सा पेन होगा, ब्लड प्रेशर हाई लो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या ओवरवेट का आप शिकार हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो आपका जल्दी जो है हार्ट डिजीज के रिस्क आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यस 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 यस, ये एक चीज आपके कोर्स जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है कि दुर्भाग्य हमेशा उस रास्ते से आता है जिससे आप खुला छोड़ देते हैं। यस, आप समझिए, दुर्भाग्य मतलब जो भी आपके साथ में अनवांटेड जो भी चीजें हो रही है, अनवांटेड जो भी आपकी घटनाएं घट रही है बॉडी के अंदर या आपकी लाइफ में, वो उस दरवाजे से आ रही है जिससे आपने खुला छोड़ रखा है, तो आप बंद कीजिए। मीन्स आपको समझना है कि आपको आपकी बॉडी की केयरिंग किस प्रकार से करनी है। नेक्स्ट,
हम जब भी उठते हैं रोजाना हमारे पास में चॉइस होती है कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारे पास होती है। सेकंड जिम्मेदारी क्या है? सेकंड है कि हमारी फैमिली का जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही होता है। हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं हमारी बॉडी के लिए, बट वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को इफेक्ट कर रही होती है। अगर आप घर में बड़े हैं और आपके बच्चे हैं, यस, और आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आप खा पी के अपना वजन बढ़ा रहे हो, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हो, आप कुछ भी गलत हैबिट कर रहे हो खाने पीने के अंदर, लेट नाइट डिनर कर रहे हो या कुछ ऐसा अनहेल्दी सा खा रहे हो, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? केवल आपकी बॉडी पे नहीं, आपके बच्चों पे या आपके छोटे जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, उन्हें आप मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप भी उस पे अनुशासित नहीं है, तो आप उन्हें नहीं बता पाएंगे कि ये चीज आपके लिए हानिकारक है। यस, नेक्स्ट। तो आपको समझना, आपकी बॉडी आपके लिए नहीं, आपके फैमिली वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपकी फिटनेस आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यस, अभी जब हम लोग कभी भी हम लोग शोरूम में जाते हैं, है ना, तो हम लोग कार का जो कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो चीज ढूंढते हैं जो मेरी बाइक के लिए सबसे अच्छा हो, मेरी जो कार है उसके लिए सबसे अच्छा हो। आई वॉन्ट टू बेस्ट मैकेनिक, मतलब भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के अंदर हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मैकेनिक ढूंढेंगे कि मेरी कार के लिए कौन सा वाला उपयुक्त रहेगा जो मेरी कार को अच्छा करके देगा, कौन सा वाला लुब्रिकेंट जो है मेरी कार के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड क्या है? सेकंड है बट फॉर माई ऑन बॉडी आई फॉलो हर्टली अर्न एडवाइस फॉर फ्रेंड्स किसी पार्टी लोकल क्वेस्ट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी बॉडी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं देखेंगे, अच्छा विशेषज्ञ नहीं देखेंगे, अच्छा खाना नहीं देखेंगे, हम लोग हमारी बॉडी जो इतनी अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, बट एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है उसका अगर हम एक एक पार्ट, एक हाथ, एक पैर, एक दांत, एक नाक, इस तरीके से अगर हम लोग इसे स्केल करते हैं तो 250 करोड़ रुपए, यस 250 करोड़ रुपए की हमारी बॉडी है। इतनी अनमोल बॉडी को हम लोग कुछ भी डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समझना हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी हमारा मंदिर है, इसमें फूल चढ़ाए जाने चाहिए, नहीं कि कचरा। तो आपको समझना है अच्छी चीजें आपके लिए बनी हुई है, उससे आपको यूज करना है। नेक्स्ट, तो आप या अगर इस तरीके का कुछ कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, यस, क्रिएटिव चेंजेस डू नॉट वर्क, यस। बहुत सारी बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नेवर हैड टू टेस्ट और रीटेस्ट, मतलब मेरी बॉडी जो है ना मैं फिट होंगी। बहुत सारे लोगों के बॉडी में फैट होता है, बट इसके साथ साथ में क्या होता है, माइंड में भी फैट होता है। वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, मैं कोई बीमार तो हूँ, या मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर से नफरत है, मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। किसी को ब्लड प्रेशर है और वो क्या बोलेगा, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरा तो ब्लड प्रेशर मतलब जो है नॉर्मल रहता है, मैं मेडिसिन क्यों लूँ, तो वो मेडिसिन को छोड़ देंगे। कभी भी हम बीमार होते 7 डेज का मेडिसिन लेके आते हैं, 3 दिन में तैयार और 4 दिन की फेंक देंगे, है ना। तो इस तरीके के जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है मैं डॉक्टर को चीज क्यों दूं, मैं अपना एवोल्यूशन चेकअप क्यों करूं। तो आपको समझना ये चीजें आपके ऊपर काम नहीं करेगी। हम लोग जो 21वीं सदी में हैं और इतना मिलावट वाला खाना जो आ रहा है उसमें हमारी बॉडी का हर 3 महीने में चेकअप होना जरूरी है। यस, तो आपको समझना है कि आपकी बॉडी की केयरिंग आपको करनी है। ऐसा तो नहीं है कि 2 बॉडी है, एक खराब हो जाएगी घर पे एक और पड़ी है उसको पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आपको एक ही बॉडी है और इसका ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट डिजीज से बचाव किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, पहला लिखिए, आपको अलग अलग कलर वाले फ्रूट और वेजिटेबल यूज करने हैं। यस, ईट ए वेराइटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट, जो भी अनाज खाते हैं उन्हें अच्छे मात्रा में आपको यूज करना है। चूज नॉन फैट वाले और लो फैट वाले आपके प्रोडक्ट यूज करने हैं। लो फैट वाले चिकन, फिश और लीन मसल्स मांस अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको लो फैट वाले यूज करने हैं। स्विच टू फैट फ्री मिल्क, हाँ फैट फ्री मिल्क से किस में जाना है, टोंड मिल्क या स्किम मिल्क में आपको यूज करना है। ओके, पहला रूल। सेकंड, डाइटरी गाइडलाइंस में आपको ध्यान रखना है। यस,
लिमिटेड इंटेक ऑफ फूड हाई इन कैलोरी, जिसमें ज्यादा कैलोरी है वो चीजें कम लेनी है, लो इन न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम है वो भी आपको कम लेना है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक कैंडी जंक फूड जो भी फास्ट फूड है वो आपको कम लेना है, या ईट लेस देन 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन ए डे, 6 ग्राम से कम आपको नमक लेना है पूरे दिन में। हम लोग क्या होते हैं, नमक के शौकीन होते हैं, कभी कभी सब्जी या कोई ऐसा व्यंजन बना है तो हम लोग देखेंगे नहीं, पहले हम लोग लिया उठाया और पहले डाल देंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि ये पहले से खारा है या फीका है, ठीक है। बहुत सारे लोग एल्कोहल यूज करते हैं, तो कम से कम आपको यूज करना है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप छोड़ देते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके और आपके परिवार के लिए। नेक्स्ट, ये आपकी डाइटरी गाइडलाइंस है, लिमिटेड अवॉइड आपको करना है, यस। फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, अंडा जो एक हम लोग यूज करते हैं, फैटी मीट अगर यूज करते हैं, ऑर्गेन मीट जैसे लिवर वगैरह ऐसी चीजें यूज करते हैं ना, कम से कम यूज करना है। बटर चिकन, बटर फिश फ्राइड, फ्राइड चीजों के खाने के शौकीन है तो उसे कम से कम यूज करना है। मिल्क फैट जो भी है उसे आप कम से कम यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, जैसे कि बटर की मलाई रबड़ी, इस तरह की चीजें आपको कम से कम खाना है, आइसक्रीम है ना, फुली क्रीम वाला मिल्क, ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, इसके अंदर एंजाइम जो है वो प्रोसेस के अंदर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुकिंग ऑयल की अगर हम लोग बात करें, हार्ट डिजीज को किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, सैचुरेटेड फैट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, जो भी सैचुरेटेड फैट वाली चीजें हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करती है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट डिजीज को इंक्रीज करता है, इसमें अवॉइड करना है आपको ग्राउंडनट ऑयल, पाम ऑयल और घी, ये चीजों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है फैट जमाव नहीं होगा। और सेकेंड है मोनोसैचुरेटेड फैट, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, जिसमें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसे कहते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का ऑयल, ये चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की अगर हम लोग बात करें जो हेल्दी हार्ट के लिए, सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल और सोयाबीन का जो तेल होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद में सबसे मेन चीज जो आपको समझने की जरूरत है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल जो कि हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती है। नेक्स्ट, आप इसे रोटेशन में भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, एक्सरसाइज, यस, मेंटेन योर फिजिकली एक्टिविटी, आपकी फिजिकली एक्टिविटी को मेंटेन रखना है, एचडीएल को बढ़ाना है, किस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे एचडीएल बढ़ेगा, एलडीएल लोअर प्लस कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका कम होगा, ये आपको जो भी टाइप 3 और हाइपरटेंशन होता है उससे कम करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट, सबसे में आपको कितना एक्सरसाइज करना है वो आप समझ लीजिए, सबसे में आपको 5 दिन 30-30 मिनट का एक्सरसाइज डेली आपको करना है, और सप्ते में आपका 5 दिन तो एक्सरसाइज होना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, यस, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने बात किया है, नेक्स्ट करेंगे, यस, एक्सरसाइज हमारे लिए 30-45 मिनट जो है मोस्ट ऑफ द डे हमारे को पर डे रिक्वायरमेंट है, ये हमें करना ही है, ऐसा नहीं कि मुझे मेरा वजन तो फिट है मुझे करने की क्या जरूरत है। मॉर्निंग में हमने किया, बहुत अच्छा करवाया था फॉर्म सर एंड देवेंद्र सर ने, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मजा आया। नेक्स्ट, वॉकिंग फॉर ए हेल्थी हार्ट, ऐसा नहीं कि आपको एक्सरसाइज के लिए बोल दिया है तो क्लास सर ने बोला है एक्सरसाइज तो करना है तो जिम कल से जिम स्टार्ट नहीं है, आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका थोड़ा सा पसीना आपका निकलना चाहिए, जो जरूरी नहीं आप जिम जाए, आप उसके लिए वॉकिंग कर सकते हैं, या जस्ट वॉक, ओनली वॉकिंग करेंगे जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है एक्सरसाइज का जो है पूर्ति होगा। नेक्स्ट, स्टॉप स्मोकिंग नाउ, स्मोकिंग आपको कम से कम करनी है। नेक्स्ट, यस, एल्कोहल अगर आप यूज करें तो भी आपको कम से कम यूज करना है। नेक्स्ट, यस, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे यहाँ, हाँ, बेनिफिट मच बियॉन्ड हार्ट डिजीज, यस, अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आप देखिए क्या क्या फायदा है तंबाकू से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको बढ़ जाएगी, कैंसर बढ़ जाएगा, क्रोनिक आपकी जो नसों की जो फैट है वो बढ़ेगी, ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें भी आपका डिफेक्ट आएगा। डाइट अगर आप भूखे रह रहे हैं
हर चीज डिजिट आपको बढ़ सकती है, कैंसर बढ़ सकता है, डायबिटीज बढ़ सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, तो आपको समझना है। यस एंड उसके बाद में फिजिकली एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो बहुत सारे आपके फायदे हैं। नाउ योर नंबर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करेंगे। यस आपके नंबर का मतलब मोबाइल नंबर नहीं, आपके नंबर आपको समझना है कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटली कोलेस्ट्रॉल 200 माइनस होना चाहिए, एलडीएल आपका 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल 40 से प्लस होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड, यस ये एक तरह का फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है, 200 से हमारे बॉडी के अंदर कम होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रूटीनली इसका चेकअप करवाएंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यस बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, 10% रिड्यूसिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट प्रोड्यूस 20-30% डिक्लाइन इन सीएसवी डेथ, क्रॉनिक हार्ट डिजीज जो होती है उसमें आप 20-30% कम कर सकते हैं अगर आप 10% कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तो। ओके और ये 20 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट ब्लड, अब आती है ब्लड प्रेशर की बात, हमारा कितना होना चाहिए, 80-120 हमारा जो है एमएम होना चाहिए। यस इससे ज्यादा है तो वो हाई है और इससे कम है तो वो लो बीपी में काउंट होगा। नेक्स्ट कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, आपको ब्लड शुगर का भी समझना, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है और तो आपका जो है पेनक्रियास प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा और आपका नॉर्मल ब्लड शुगर से आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। होना कितना चाहिए, फास्टिंग मीन्स भूखे अगर आप हैं तो 100 से नीचे आना चाहिए और पोस्ट मील खाना खाने के बाद आपका 140 से कम होना चाहिए। इसे आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपके डाइट के अनुसार आपका वेट को कंट्रोल करके आप एक्सरसाइज करके इन चीजों को जो है मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यस अगर आपकी फैमिली में और कोई भी पर्सन ऐसा है जिसे कोई भी इस तरह की चैलेंज है, यस ऐसा नहीं कहूंगा कि आप डिजीज क्या कर सकते हैं, आप बीमारियों का रोकथाम उपचार कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईट हेल्दी, आपको अच्छा खाना है, वॉक रेगुलरली, आपको वॉकिंग रेगुलर करना है, आपके वेट पे आपको नजर रखना है, वॉचिंग योर वेट, क्विट स्मोकिंग इमीडिएटली, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे आप बंद कीजिए, कम कीजिए, यस एंड कीप योर वेट अंडर कंट्रोल, आपके वेट को आपको कंट्रोल में रखना है और आपकी जो भी मेडिसिन अगर आपकी ऑलरेडी चालू है तो उसे आपको चालू रखना है और आपके डॉक्टर की सुनते रहना है, जैसा डॉक्टर आपको बता दें उस गाइडेंस में आपको चालू रखना है। अगर वो बोल रहे हैं इनकी जरूरत नहीं मेडिसिन की तब आपको जो है उसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके और नेक्स्ट एंड कुछ चीजों के बारे में आपको और बताऊंगा, डोंट वेट फॉर हार्ट अटैक टू टेक एक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जो है इंतजार करें, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम कोई चैलेंज आएगा तब मैं जाके मेरा हेल्थ चेकअप कराऊंगा या हेल्थ के बारे में जानकारी लूंगा। आप पहले से ध्यान रखेंगे या तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे, क्योंकि इतनी अनमोल बॉडी है। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या हमें बारिश आने के बाद छतरी खरीदनी चाहिए या पहले खरीद के रखनी चाहिए, क्योंकि तुरंत आते ही बारिश हमारे को फटाफट से हम लोग जो है उसे तान सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं पहले। ग्रेट अमेजिंग, नेक्स्ट आपको पहले खरीद के रखना है तो आपको हेल्थ का ध्यान पहले रखना है, बिफोर टेक। नेक्स्ट कुछ चीजें और भी है आपके लिए जो मैं आपको कुछ फूड सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जो मैंने बताया है, यस वो सारी चीजें जो हम हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ फूड के बारे में मैं बात करूंगा, कौन कौन से फूड हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारे सेहत को अच्छा रख सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज है हर्बल हेल्थ के अंदर जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट यस हमारा हार्ट हमारा है और हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा, यस उसके लिए आपको कुछ चीजों का आपको फॉलो करना है। ओके नेक्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दिस। हम लोगों ने इतनी सारी बात की है बट इसका जो
सिंपल फॉर्मूला है कि हम लोग किस तरीके से खान पीन के द्वारा जो है हम लोग जो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो चीज के बारे में हम लोग जो है नॉलेज लेने वाले हैं। क्या चीज ऐसी है जिसे हम लोग खान पीन में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जो जानेंगे थोड़ा सा। यस, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन फ्रॉम फूड। ओके ग्रेट, ओके यस इज देयर, ओके अमेजिंग। सॉल्यूशन क्या है, इसकी क्या चीज है जिसे हम लोग कम क्वांटिटी में भी यूज करें और अच्छा रिजल्ट आवे, तो उसके लिए सॉल्यूशन है आपके पास। नेक्स्ट करेंगे, ईट फ्रॉम हेल्थी प्लेट। आपका कौन सी चीजें आपको खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। डोंट ईट प्रोसेस फूड, आपको नहीं खाना है। ईट जो आपका तुरंत जो भी चीज आपने वेजिटेबल है या फिर सैलेड्स है, तो तुरंत जो चीजें है उसे आपको यूज करना है, तुरंत से बनी हुई चीजें को आपको यूज करना है। ज्यादा टाइम तक रहती तो बैड बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा होते हैं। नेक्स्ट, हमारे सॉल्यूशन हमारे खाने के अंदर ही होते हैं बट वो नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण है कि हम लोग जो है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर जी रहे हैं। और पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैंने बताया ना आपको, हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए होता है। ये क्या काम करता है आप समझ लीजिए, ये मत सोचिए कि प्रोडक्ट बेचना है हमारे को इसलिए आपको बता रहे, नहीं, आपको जरूरत क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लोअर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, और ये डीएचए और ईपीएफ फॉर्मूले के ऊपर बना हुआ है। और उसके साथ साथ में क्या करता है, आपके माइंड का भी विकास करता है। ओमेगा 3 किसके लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके ज्वाइंट के लिए, आपके स्किन के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम लोग अगर 20-20 जो ड्रॉप 30 बूंद अगर हम लोग अलग से कोई पेट वाला तेल यूज कर रहे हैं, तो उसके अपॉन उसके सामने अनुपात में हमारे को एक बूंद जो है हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की जरूरत है। 20 ग्राम अगर हम लोग अदरवाइज दूसरा तेल ले रहे हैं, तो 1 ग्राम हमारे को जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की जरूरत है। यस, नेक्स्ट करेंगे, ये हर्बल लाइफ लाइन के अंदर है। और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप एक और चीज जो है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार न्यूट्रिशन है, नाइट वॉक। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर 30 के बाद में बनना कम हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए काम से क्या करता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हेल्प करता है हमारे किडनी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वेस्ट फेट होता है उसको प्लेस आउट करने के लिए, मेंटेन इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन का जो फंक्शन है उसे मेंटेन करने के लिए, ब्लड वेसल्स खून के अंदर जो हमारे खून के जो भी दाने हैं छोटे छोटे सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट को, ब्रेन को और हमारे जो भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर उनमें वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। जो भी एथलीट्स हैं जो दौड़ लगाते हैं उनके लिए यह सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है ओमेगा 3, और उसके साथ में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यस, ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपकी रिकवरी को बढ़ाता है और मेंटली फोकस्ड और स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छा करता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है तो आपको नींद कम आती है, तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर लेंगे तो आपको नींद प्रॉपर वे में आएगी। ओके, और कम नींद में भी आपको पूरा भरपूर जो है आपकी बॉडी फ्रेशनेस महसूस करेगी। बीटा हार्ट, यस बीटा हार्ट ये क्या काम करता है, ये ट्राइग्लिसराइड जो फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अंदर बीटा ग्लूकन फाइबर है, एक शीशे के अंदर जो 15 ग्राम का शीशा आता है उसके अंदर कितना है, 3 ग्राम इसके अंदर ओट्स बीटा ग्लूकन फाइबर है। कोई भी तरह का एक्स्ट्रा स्वीटनर, मिठास और इसके अंदर एक्स्ट्रा कलर कोई भी नहीं है, जो वनीला फ्लेवर में है। इट्स अमेजिंग, बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन है ये, मेरी मदर इन्हें यूज करती है। नेक्स्ट, यस वन ऑफ द लास्ट थिंग ये है कि ऑल ऑफ द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय यू टेक योर गुड हेल्थ। पूरे संपूर्ण विश्व की जो पैसा है, मनी है, धन दौलत है, वो आपको अच्छी सेहत नहीं लाकर दे सकती है। यस, पीपल वैल्यू हेल्थ व्हेन दे लूज इट, डोंट बी दैट पर्सन। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हेल्थ को खो देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ही आपको समझ लेना है इसकी वैल्यू क्या है, आपको वो वाला पर्सन नहीं बनना। ओके, तो आपको हेल्थ का एक डिसीजन लेना है, अपने कोच से बात करना है कि क्या क्या रिजल्ट है,
से हम कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ओके, कुछ टेस्टिमोनियल है, रिजल्ट है जिन्होंने न्यूट्रिशन को यूज किया और वो लाइव है आपके सामने और मैं उनका एक एक करके रिजल्ट टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जी मानू सर, बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट है, या कॉल पे है तो अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे सर। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहेंगे हम सर को कि आज उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई हार्ट हेल्थ के बारे में। यस, हमारे पूरे मानव शरीर का सबसे बेस्ट ऑर्गन होता है हार्ट। यस, सो गाइस, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन वर्ल्ड के अंदर लास्ट 22 मंथ से मैं इस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन को यूज कर रहा हूँ। यूज करने का रीजन ऐसा था कि प्रैक्टिकल करना चाह रहा था अपने शरीर के साथ कि ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें एम के रूप में आप में समझ रहती ना कि हाँ मैं तो फिट हूँ बट आप फिट नहीं है। तो शुरुआत के 45 दिन मैंने इस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन को यूज किया और बहुत ही शानदार जो चेंजेस मैंने महसूस किए उसमें विजिबल चेंजेस हैं। 6 kg फैट लॉस और 2 इंच वेस्ट लाइन से कम हुए और उसे मैं आज तक मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरी लाइफस्टाइल बदली है और साथ ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को। थैंक यू सर और थैंक यू इस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन को। अमेजिंग, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, एक बार क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर टंपक सर, यस, उनका भी बहुत शानदार रिजल्ट है। सर अगर आप कॉल पे हैं तो अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। मिस्टर टंपक सर, यस, एंड दिलकुश सर एंड रानू मैडम, अमेजिंग, बहुत ही शानदार शानदार रिजल्ट है। इन लोगों ने अपना लाइव रिजल्ट दिया है और खुद प्रैक्टिकली यूज करके इन्होंने रिजल्ट को क्रिएट किया है। यस, ओके, नेक्स्ट सोनू मैडम। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अमेजिंग नॉलेज के लिए सर। मेरा नाम सोनू है, मैं राजस्थान भिलौड़ा से बिलोंग करती हूँ। गुड न्यूट्रिशन को मैं पिछले 3 साल से एवरी सिंगल डे यूज कर रही हूँ। बिफोर हर्बललाइफ मेरे बहुत काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे क्योंकि मैं ओवरवेट थी और ओवरवेट के साथ साथ मैं सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मैं थोड़ा सा हंसने की कोशिश करती थी तो अस्थमा का अटैक जैसा मेरे को हो जाता था। और मैंने जितने भी इसके प्रोडक्ट है सारे यूज किए, नाइटवर्क हर्बललाइफ लाइन को यूज किया और शुरुआत के 3 महीने में 6 इंच कमर से 4 इंच पैर से वजन कम किया, पूरे 13 किलो। और जब मेरा वजन कम हुआ तो मैं काफी हेल्दी लाइफ स्टाइल में आ गई हूँ और आज मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत शानदार रिजल्ट है उनका। एंड नेक्स्ट अमेजिंग जितेश कुमार जी, कॉल पे है तो अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यस तारा मैडम, सारा मालवीय मैडम, ओके, बहुत ही अमेजिंग इनका रिजल्ट है। एंड ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, 7 kg वेट लॉस किया है। यस, सुवेदा मैडम, अपना बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट है। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मेरा नाम सुवेदा है और मैं बिलाड़ा से बिलोंग करती हूँ और माय बैकग्राउंड एक हाउसवाइफ हूँ। पिछले 1.5 साल से इस फूड न्यूट्रिशन को यूज कर रही हूँ और अपनी बॉडी से मैंने पूरे 15 kg वेट लॉस किया। उसके साथ मेरे काफी सारे हेल्थ चैलेंज थे, जैसे लेडीज के जो पीरियड प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा थी मुझे। उसके कारण मैं 7 सालों से मेडिसिन चल रही थी लेकिन हेल्थ में थोड़ा भी सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे ओवरवेट होती जा रही थी। और जैसे ही मैंने इस फूड न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट किया मेरे हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। तो थैंक यू मानसू सर जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को बनाया। बहुत ही अमेजिंग इनका रिजल्ट है, 12 किलो इन्होंने वेट लॉस किया है। मूलचंद जी सर, अमेजिंग, 74 की एज में भी इन्होंने फिटनेस को अडॉप्ट किया है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इनका। यस,
भरत सर, यस उनका भी बहुत शानदार रिजल्ट है। यस रमेश सर अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे अगर इस कॉल पे है तो। यस सर, गुड इवनिंग सर। एक बार क्लास सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आज बहुत जबरदस्त जानकारी दी है सर ने, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिली है सभी लोगों को। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने इस हेल्थी न्यूट्रिशन को यूज करते हुए 2 साल हो गए हैं और मैंने शुरुआत के 4 ही महीने में यूज करके पूरा 24 किलो वजन कम किया है। और इसी के साथ साथ मैंने अलग अलग बहुत सारे रिजल्ट दिए मेरे पास हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट लोग आते हैं तो कईयों को वेट गेन करवाया, कईयों को लूज करवाया। बहुत सारे पेशेंट थे जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे तो बहुत सारे पेशेंटों को अलग अलग टेबलेट मुक्त हुए और अमेजिंग अलग अलग रिजल्ट मिले। और मैं बताना चाहूंगा, एक बार जरूर जो भी नए पर्सन है उनको एक बार न्यूट्रिशन सेंटर पे जाना है और सुबह में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको यूज करना है, उससे आपको 7 दिन के अंदर ही अमेजिंग रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा एक बार क्लास सर के लिए जो आज बहुत अमेजिंग जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, अमेजिंग, ग्रेट, बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है। एंड नेक्स्ट रिजल्ट है शंकर सर का। यस ओके, एंड राजू राम जी सर, मनोज सोनी सर, उनका बहुत शानदार रिजल्ट है। मनोज सर अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। नेक्स्ट, यस वो नेक्स्ट समन सर, एंड थैंक यू। ये वो सभी लोग रिजल्ट, ये सारे लोग इन लोगों ने अपना हेल्थ का रिजल्ट लिया है। यस एंड इसके साथ में एक डिस्क्लेमर है कि ये जो रिजल्ट है पर्सन बाई पर्सन आते हैं, कोई भी तरीके का इसमें जो है ये नहीं है कि हम लोग रोकथाम और उपचार करते हैं बीमारियों का इस तरीके का। यस कुछ अपकमिंग इवेंट आपके लिए है, आपको ऐसा लग रहा होगा कितने लोगों को ये इवेंट अच्छा लगा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस कितने लोगों को आज का इवेंट अच्छा लगा। यस ये आपके लिए हो सकता है फर्स्ट है बट लास्ट नहीं है। ओके आपके लिए बहुत कुछ है आगे में भी, हमारे लीडरशिप ने आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग से जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। यस उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पहला जो इवेंट है, सबसे पहला जो कि हमारी फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, मंडे टू सैटरडे सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जो हमारा फिटनेस का 1 घंटा अगर हम लोग देते हैं तो हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। और अमेजिंग जब हम कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलकर इतने सारे लोग एक साथ में हम लोग जो है वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशन का नॉलेज लेते हैं, माइंड न्यूट्रिशन भी हमारे को मिलता है जिसे हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग, ये हर रोज होता है। या नेक्स्ट सेकेंड होता है हैप्पी टू हेल्प सेशन, जिस सेशन के अंदर आप बैठे हैं ये सोमवार से शनिवार तक होता है बट इसमें 2 दिन बुधवार को और शनिवार को कुछ अमेजिंग होता है, उसका भी आपको फ्लाइंग अपडेट टू अपडेट आता रहता है, वो आपको फॉलो करना है। ओके आज शाम 7 से 8 बजे के बीच में, वाह वाह बिलीवर अमेजिंग। और अब जो आने वाला एक जो अमेजिंग है हैप्पी टू हेल्प सेशन ब्रेन हेल्थ। यस 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 ब्रेन हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है, बहुत कुछ हमारे को जो जानकारी मिलने वाली है कल के दिन 7 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे। एंड ये पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग हमारे को जानकारी देने वाले हैं। और सुबह जो लिंक आता है वो भी आपको शाम तक फॉलो करना है, वो ही लिंक रहता है, लिंक का इंतजार नहीं करना है, 7 बजने से पहले ज्वाइन करना है। ओके थैंक यू अमेजिंग पर्सन मिस्टर विजेंद्र सर, वाह वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और इसमें आप जानकारी ले सकते हैं कि इस न्यूट्रिशन को किस तरीके से जो है आप अपने बजट में यूज कर सकते हैं। या इसके लिए आपको क्या करना है, 8 तारीख को आपको ज्वाइन करना है एबिटुअल सेशन, सेम यही सेशन रहेगा। और इसमें अमेजिंग के होस्ट ऑफ द डे हैं मिस्टर दिनेश सर, एंड अमेजिंग से जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर
अपकमिंग मिलेनियर टीम मेंबर मिस्टर मानस सर फ्रॉम अजमेर, अनबिलीवेबल अमेजिंग, यस 80% न्यूट्रिशन 20% वर्कआउट के साथ, ग्रेट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? 9 तारीख का हमारा अमेजिंग सा इवेंट होने जा रहा है जो कि भीलवाड़ा में होने वाला है, और ये जो इवेंट होने वाला है हमारे मेंटोर सर आने वाले हैं, लाइव इवेंट देने वाले हैं जिसमें कि हमारे को मालूम रहेगा किस तरीके से है जो है लोग लाइव हमारे साथ सामने रिजल्ट शेयर करेंगे। अमेजिंग, बहुत सारा एक्साइटमेंट, फन, सिंपल, मैजिकल तरीके से होने वाला है। नाम जी जिसका लाइफ स्टाइल दे है, और स्पेशल बात क्या है, इसका वेन्यू जो है ना बहुत ही शानदार है। मैं उस जगह जाने के लिए सोच रहा था कि मुझे इस जगह पे मतलब देखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, बट हमारी लीडरशिप ने वो जगह ही तय कर दी हमारे लिए। 7 स्टोन गायत्री आश्रम भीलवाड़ा, अमेजिंग, बहुत ही नाइस प्लेस है, ग्रेट, अमेजिंग। एंड नेक्स्ट अकेडमी, आपका नेक्स्ट लेवल है, आपके नेक्स्ट आने वाली अकेडमी जो है डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर अकेडमी, इसमें वो पर्सन आ रहे हैं रियली अमेजिंग है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में, और ये 16-17 फरवरी को होने वाला है। और डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर अकेडमी ये वो पर्सन है जिन्होंने अपने सिखाने से 2 डायमंड तो क्रिएट कर चुके हैं और अब डायमंड के बाहर लगने वाली है। यस, अपकमिंग वेरी सुन 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर रमन सर, अमेजिंग। कुछ वेकेशन भी है आपके लिए क्योंकि हमारे लिस्ट में रखे हैं, वेट लॉस कीजिए और करवाइए और गोवा जाइए, ओके। तो 10,000 वॉल्यूम पॉइंट में कुछ क्वालिफिकेशन है 5 लेवल के लिए, 1 पर्सन के लिए। अगर आप 2 लोग जाना चाहते हैं तो 15,000 वॉल्यूम पॉइंट, मतलब आपको ज्यादा नहीं 30-40 लोगों की अच्छे से आप हेल्प करते हो 10 किलो वजन घटाने में तो आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो। नेक्स्ट, अगला जो है वो इंटरनेशनल है, वो है श्रीलंका सोने की जो धरती है वहां पे होने वाला है। इसमें भी 2 लेवल है, पहले लेवल पे है 25,000 एंड सेकंड लेवल जो है 35,000, अमेजिंग, फेस्टिवल टीम होना आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट, इसके लिए क्या करना है, अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये 40-45 मिनट में समझ में नहीं आएगी क्योंकि कंपनी 42 साल से चल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कोच से संपर्क करना है कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद में, और जो भी कोच है उनको रुकना है पोस्ट मीटिंग के लिए, ओके। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ चीजें ऐसी कंफ्यूज लग रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में छोड़ना नहीं है, और ज्यादा नॉलेज लेना है, जाना है, गूगल कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलने वाली है, ओके। क्या क्या चीजें खानी है, क्या नहीं खाना है, ओके। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। एंड एक चीज कहना चाहूंगा, हैव यू हैड शेक टुडे, इट्स अमेजिंग, बहुत ही शानदार शेक है ये, और जिसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग जो हमने फ्रूट ऐड किए हैं, अनार वगैरह, ओके, और एप्पल अनार ये चीजें ऐड की है, अमेजिंग, बहुत ही शानदार शेक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप कोच से संपर्क कीजिए, अमेजिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन, क्या मैंने जो बताया था उससे कुछ कम लगा? कितने लोग हैं जिनको मैंने बताया उससे कम लगा? नहीं, सबको बहुत अच्छा लगा। तो आज हमें बहुत ही अमेजिंग नॉलेज, मतलब मैं इस बीमारी से ग्रसित होके निकल चुका हूं पर इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं हुई जितनी नॉलेज आज कैलाश सर ने दी। तो आज की शानदार नॉलेज के लिए कैलाश सर का थैंक यू बनता है। यस, तो क्या आप लोग वीडियो ऑफ करके उनको थैंक यू देंगे? नहीं, तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, तो उनको थैंक यू देने का समय आ गया है। तो आप सभी लोगों की क्लैपिंग और रोटिंग के साथ में
मैं 1 2 3 कहूंगा और आप सभी लोग एक साथ कैलाश सर को थैंक यू बोलेंगे। यस 1 2 3 थैंक यू सर। Your support is very much appreciated. फ्रेंड्स जो आज नए गेस्ट हैं उन सभी के लिए आज इतना ही है। आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत कुछ आज समझा है, सीखा है, और अब आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इस न्यूट्रिशन को लेना है, कैसे हम अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक सर ने बात कही थी जो मुझे वापस दोहरान करने की इच्छा हो रही है, दुर्भाग्य हमेशा उस दरवाजे से आता है जो हमने खुला छोड़ देते हैं। तो दुर्भाग्य क्या है और दरवाजा क्या है? दुर्भाग्य हमारा स्वास्थ्य है और दरवाजा हमारी लापरवाही है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही नहीं करें और इस मीटिंग के तुरंत बाद अपने कोच से बात करें कि हम कैसे इस न्यूट्रिशन को लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। यस, तो नए गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लीव कर लीजिए और 5 मिनट बाद हम पोस्ट मीटिंग करेंगे। ओके
यस, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी लोग तैयार हैं पोस्ट मीटिंग के लिए? तो आज की पोस्ट मीटिंग मैं ही लेने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हैं? यस, वाओ, ग्रेट, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ आप सभी का एक्साइटमेंट जोरदार, आप लोगों की क्लैपिंग मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे, सभी लोगों का एक्साइटमेंट मुझे महसूस हो रहा है। यस यस यस, थैंक यू। बैकएंड टीम प्लीज देख लेना, कोई एसोसिएट एंड अबव के अलावा कोई हो तो उसे आप थोड़ा सा वेटिंग में रख दें, और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि एसोसिएट मीटिंग अटेंड करे तो स्वागत है उसका, फटाफट से एसोसिएट बन जाए, तुरंत प्रभाव से एसोसिएट बने और एसोसिएट मीटिंग में आए, स्वागत है उनका। यस, तो फ्रेंड्स अब हम कितने लोग हैं जो आज जिन्होंने रिटेल किया है, एनराइज करेंगे? वाओ, चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से, तो मुझे पता चले कि कितने लोगों ने आज रिटेल किया है, क्योंकि रिटेल हमारे वृक्ष की जड़ें हैं और हमारे वृक्ष को हरा रखना है तो जड़ों को मजबूत करना होगा और जड़ें हमारी रिटेल है। यस यस यस, दिनेश सर ने 700 किया, हमारे मेंटोर सर ने 12,000 रुपए का रिटेल किया, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे के लिए, हम लोग हमारे लिए सदैव प्रेरणास्पद रहते हैं वो। और ये सुशीला मैडम ने 6,200 का, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, वाओ ग्रेट। अनपूर्णा मैम ने भी 744 रुपए का फ्रेश भेजा, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अनपूर्णा मैम के लिए। बस कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया मगर कल बेहतर प्रयास करें और अपने इस वृक्ष को मजबूत करने के लिए, हरा रखने के लिए। यस यस यस, अभी कुछ लोगों का और आ गया है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूँ। मदन सिंह जी ने 3,700 का किया, एक बार क्लैपिंग करेंगे। ऋषभ सर ने भी 744 रुपए का किया, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। देवली में ऋषभ सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी शुरुआती दौर में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक क्लब खोलने वाले हैं देवली में, तो एक बार ऋषभ सर के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। वाओ ग्रेट, तो काम करने के लिए हमें अनुभव की जरूरत भी होती है, और अनुभव कहां से मिलते हैं? निश्चित रूप से काम करने से, काम करेंगे अनुभव मिलेंगे, अनुभव करेंगे तो काम और बेटर करेंगे। यस, अच्छा कितने लोग हैं जिन्हें कस्टमर बनाने में प्रॉब्लम आती है या कहीं ना कहीं समस्या आती है, किनको लगता है कि कस्टमर नहीं बन पा रहे हैं, एनराइज करेंगे? और क्या क्या समस्या आती है, क्या बोलता है कस्टमर आपको, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या बोलता है आपको, क्या समस्या आती है कस्टमर? मैं भी आऊंगी भिलवाड़ा एसडी में, मैडम हमारे मेंटोर मैडम माया मैडम भिलवाड़ा एलएसडी मारी, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इस बार हमारा जो भिलवाड़ा एलएसडी है बहुत जबरदस्त होने वाला है, हमारे मेंटोर सर और मैडम दोनों भिलवाड़ा आ रहे हैं और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि दोनों को सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और उनका सानिध्य में मिलेगा। यस, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे सर और मैडम के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आप दोनों आ रहे हैं, भिलवाड़ा की सौभाग्य है कि आप दोनों पधार रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए कितने लोगों घर पे मेहमान आते हैं, आते हैं सबके घर पे आते हैं, तो आप उनको खातिरदारी में क्या पूछते हैं? चाय पी लीजिए, कचौरी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए या कुछ और ऑफर करते फ्रेंड्स? सबसे पहला काम है, हमारे घर पे कोई भी आए, चाहे हमारा गेस्ट आए, चाहे हमारा मित्र आए, चाहे कोई भी मोहल्ले वाला आए, उसको सबसे पहले अफ्रेश पिलाना है, और हो सकता है उसको अफ्रेश अच्छा नहीं लगे तो क्या करना, अफ्रेश में कुछ नींबू डालो, एलो डालो, या उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाओ जिससे वो और टेस्टी बने, उसका टेस्ट बेटर हो सके,
उसका टेस्ट बेटर होगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लगेगा। शेक पिलाओ, शेक भी हो सकता है उसे अच्छा नहीं लगे, तो शेक में फ्रूट डालो। वीरेंद्र सर ने लिखा है जिंजर लेमन सिनेमोन इलायची ऑफर करते हैं, कौन सी चीज पियेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वीरेंद्र सर ने बहुत बढ़िया लिखा कि हमारे पास सारे फ्लेवर हैं और आप कौन सा पीना चाहेंगे। मगर क्या होता है कि कुछ साथी हमारे या कुछ हमारे परिजन या हमारे मेहमान कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिर भी अफ्रेश अच्छा नहीं लगता, उनको टेस्टलेस लगता है, तो थोड़ा सा अपन शिकंजी के रूप में उसमें नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा शहद डाल सकते हैं, शहद डालने से उसका स्वाद अच्छा हो सकता है, तो स्वाद जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लगेगा। तो शुरुआत में तो उसको स्वाद देना पड़ेगा और जब स्वाद देंगे तो ये हमारा कस्टमर बनेगा, राइट। फिर दूसरा होता है हमारा शेक। सर हमारे सर ने लिखा है हनी, बिल्कुल सर मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और मैंने आप ही से सीखा है कि हम शहद डाल सकते हैं और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सर से और हम लोगों को सबको सीखने चाहिए जिन्हें हमें आज 8 साल का अनुभव है और हम सभी लोगों के मेंटोर हैं और हम सब लोग उन्हीं से सीख रहे हैं और निश्चित रूप से मैंने भी उनसे सीखा है। अभी मैं एक चीज क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जिस शहर में जाता हूँ ना मेरा टारगेट बनाया है मैंने, मैं हर शहर में न्यूट्रिशन क्लब खोलूंगा। कितने लोग कर सकते हैं सर? यस, आप लोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मिलके बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में अपने क्लब होंगे। हमारे मेंटर सर की टीम पूरे हिंदुस्तान में होगी मगर काम हम सब लोगों को मिलके करना होगा। जहां आप जाते हैं, चाहे आप शादी में जा रहे हैं, चाहे आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी के जन्मदिन पे जा रहे हैं या किसी के मरण मौत में जा रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले आप लोगों को बताऊं, मेरे परिवार में डेथ हुई मेरे नानी जी की, मेरे नानी जी की डेथ हुई, मैंने वहां 2 कस्टमर बनाए डेथ के अंदर। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, अरे यहाँ तो गमी हो रही है क्या करेंगे ऐसे बात करना, भाई सामने वाला पूछ रहा है तो क्यों नहीं बताओगे? और सामने वाला कब पूछेगा? जब आप अपना बेहतरीन रिजल्ट लेकर आओगे। तो बेस क्या हो गया? प्रोडक्ट को खाना, प्रोडक्ट को खिलाना और रिजल्ट को लाना, काम अपने आप होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत कर रहे हैं? यस, तो अभी जिन लोगों का थोड़ा बहुत भी रिजल्ट आना बाकी है, जिन लोगों को लगता है कि मेरा वजन तो कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस 1-1.5-2 किलो ही ज्यादा है, बाकी मैं आइडियल वेट पे हूं, तो कंप्लीट करना पड़ेगा। वजन 1 किलो भी आपका अगर ज्यादा है, आप आइडियल वेट पे नहीं है, तो उस 1 किलो को भी कम करना पड़ेगा। और आपका अगर वजन कम है आइडियल वेट से, तो आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं होंगे, लोग आपको आगे होके नहीं पूछेंगे क्या खाते हो आजकल, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तब तो हमें बताना पड़ेगा कि हम हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन खाते हैं। यस, अब आप लोग को आगे काम करने के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मेंटर सर अक्सर कहते हैं कि ये लोगों का बिजनेस है और यहां इन्वेस्टमेंट क्या है, लोगों को इवेंट में लाना। जितने ज्यादा लोगों को हम इवेंट में लेके आएंगे उतना हमारा काम होना है। कई साथी अभी जो नए हैं, अभी उनको शायद थोड़ा सा समझने में वक्त लग रहा है, पर नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग सीखने के लिए तत्पर हैं और सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। नए लोग, एक बार नए साथियों के लिए जो हमारे नए इशू से, एक बार जोरदार क्लिपिंग करें उन सबके लिए, पूरे जोश के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है कि हम लोग कैनेपी के नाम से थोड़ा सा झिझकते हों, हो सकता है कि हम लोग फ्लेयर के नाम से थोड़ा हमें झिझक हो, हो सकता है कि हम किसी कस्टमर से बात करने में थोड़ा झिझक करते हों, हमें अपने गांव में, शहर में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने मिलने वालों के बीच में शर्म आती हो। पर दोस्तों, शर्म आएगी तो पैसा नहीं आएगा। तो कितने लोग हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए? है ऐसे लोग जिनको पैसा नहीं चाहिए? कोई नहीं है, सबको पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए तो सबसे पहला काम, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। यस, तो आज से हम सब लोग एक प्रण करते हैं हमारे मेंटर सर के बीच में, हमारे मेंटर सर को साक्षी मान के, कि आज से ऐसे हाथ कर सकते हैं आप सब लोग आगे,
यस, हाथ मुझे नजर आ रहे हैं सबके हाथ, जिसके हाथ आगे नहीं मुझे नजर आ रहे हैं। प्रतिज्ञा करेंगे आज से हम सभी लोग किसी तरह की कोई काम में शर्म नहीं करेंगे। हम लोगों की स्वास्थ्य के लिए मदद करते हैं, हम लोगों को परेशान नहीं करते हैं, हम उनके जीवन में कुछ अचीव करने के लिए उनकी मदद करते हैं, तो हम शर्म नहीं करेंगे। यस, थैंक यू। तो सारे फ्लेयर, थैंक यू मेंटर सर, थैंक यू, आपका मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा उत्साहवर्धक रहता है। तो आज से डेली फ्लेयर करना, डेली चेकअप करना, डेली मार्केट में जाके लोगों से व्यक्तिगत मिलना, हमारे जो कस्टमर पहले बने हैं और किसी कारण से अब काम नहीं कर रहे हैं या अब प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, दोनों पे फोकस करना। हमारा कोई एसोसिएट आया है और वो नहीं काम कर रहा है तो भी उससे भी मिलना है, और जो हमारा कस्टमर आया है और वो प्रोडक्ट नहीं खा रहा है तो उससे भी मिलना, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए पूरा प्रयास करना है। आप अगर नहीं कर पा रहे, आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से बात करें, और उनके स्पॉन्सर से बात करें, तो हमारे मेंटर सर से बात करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, पहली चीज तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप लोगों में वो काबिलियत है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर आपसे नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, और निश्चित रूप से आप और वो मिलके उस कस्टमर को संतुष्ट कर पाएंगे और उसकी हेल्थ के रिजल्ट लेके आए। फोकस प्रोडक्ट देने पर नहीं करें, फोकस उसके रिजल्ट लाने पर करें, क्योंकि एक रिजल्ट आपका है वो 100 कस्टमर देता है। और आप अगर प्रोडक्ट सिर्फ ये सोच के देंगे कि मेरे तो आए थे सर, मेरे स्पॉन्सर सर, उन्होंने 60,000 का प्रोडक्ट दे दिया या मेरे को 2.5 लाख का प्रोडक्ट दिला दिया और मैं तो उनके कहने में आ गया और प्रोडक्ट पड़ा है, फटाफट फटाफट प्रोडक्ट को दो ताकि पैसा खड़ा हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्ट आपका सोना है, कहीं नहीं खराब होने वाला है, वो आपको भी रिजल्ट देना है और आपके कस्टमर को भी रिजल्ट देना है। आपको आपके कस्टमर के साथ ईमानदारी से उसे प्रोडक्ट खिलाना है और ईमानदारी से आपको प्रोडक्ट खाना है। तो कितने लोग हैं जो आज अफ्रेश लेके बैठे हैं, दिखा सकते हैं? मेरा फिनिश हो गया, लास्ट था। ओके ओके ओके, तो प्रोडक्ट हमें खाना है और खिलाना है और ईमानदारी से खाना है। कई साथी ऐसा होते हैं कि ठीक है एक दिन शेक पी लिया, 3 दिन नहीं पियेंगे, 1 दिन शेक पियेंगे, फोटो खींचेंगे, ग्रुप पर डाल देंगे या फेसबुक पे उसका प्रोफाइल लगा देंगे। नहीं, हम फोटो खिंचाने के लिए प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, फोटो हमारा इसलिए है कि हम सामने वाले साथी को, हमारे गेस्ट को, उसको मोटिवेट करने के लिए हम फोटो देते हैं। ऐसा नहीं कि फोटो के लिए प्रोडक्ट खा रहे हैं। कितने लोग हैं जो फोटो के लिए प्रोडक्ट खाते हैं, जो फोटो खिंचाना है इसलिए प्रोडक्ट खाना, नहीं है ना। तो प्रोडक्ट को ईमानदारी से खाएं सभी लोग, काफी साथी लोग अभी अफ्रेश पी रहे हैं, काफी साथी लोग शेक पी रहे हैं, एक बार सभी के लिए जो प्रोडक्ट खाना उनके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे हम सब लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कितने साथी हैं जिनके पास मशीन है, मुझे सभी लोग नजर आ रहे हैं। देखो कई साथियों ने अभी हैंडराइज नहीं किए। फ्रेंड्स, हमारा ये बिजनेस जो है ना, इसमें हमारे पास मशीन होना जरूरी है। मैं भी शुरू में ऐसे सोचता था कि मैं तो बहुत बड़ा सेल्समैन हूं मैं तो बिना मशीन के सब कुछ कर दूंगा, और शुरू शुरू में रियली फ्रेंड्स मैंने किया भी सही, मगर बाद में एहसास हुआ कि कुछ दिन तक जो लोग मेरा लिहाज करते थे, जो मेरा सम्मान करते थे या मेरे को मान देने के लिए रखते, उन्होंने एक बार तो प्रोडक्ट ले लिया पर दूसरी बार वो आज तक नहीं ला सका उनको। उसका रीजन क्या रहा कि मैं उनको आफ्टर बिफोर का रिजल्ट समझा नहीं सका कि आपका पहले क्या था, बाद में क्या था, आपकी बॉडी में क्या क्या चीजों की कमी है, क्या क्या चीज इंप्रूव हो रही है, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, जब हमारे पास मशीन होगी। आज मान लो हम कहीं भी दूर बैठे हैं और हमारे स्पॉन्सर हमसे दूर है, हमको कई बार ऐसा लगता है, जैसे मुझे लगता था कि मैं तो मशीन चाहिएगी तो मेरे स्पॉन्सर से ले जाऊंगा, कई बार मैं कैलाश सर से मशीन लेके गया, कई बार मैं समन सर से मशीन लेके गया, पर मैंने महसूस किया मशीन ले जाना तो आसान है मगर उसको टाइमली आदमी को रिजल्ट देना और उसका चेकअप करना आसान नहीं है। तो कितने लोग हैं जो इस वीक में मशीन खरीद लेंगे,
चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कितने लोग हैं जो कमिट करते हैं कि हम इस वीक में मशीन खरीद लेंगे और अपने काम के लिए तत्परता से काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कई साथी लोग एनरेज कर रहे हैं मगर अभी थोड़ा सा उनमें संशय है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी काम का करने के लिए उसके बेसिक्स होना जरूरी है और बेसिक हमारा मशीन है। मशीन हमारे पास नहीं है। यस सर, कैलाश सर करेंगे फिर हम लोग फटाफट से मशीन खरीद लेंगे। वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए जोरदार। और जो भी लोग मशीन खरीदना चाहते हैं, अगर आप लोग सीधा खरीद सकते हैं, आपको आइडिया है कहाँ मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, वो आपकी मदद करेंगे। यस सर, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हमारे को आना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। हम लोग अपनी स्टोरी भी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। आपका रिजल्ट थोड़ा है, ज्यादा है, जैसा भी है, पर रिजल्ट तो आया है ना। जो आया है उसको लोगों को बताना है। एक मूंगफली वाले को देखा मूंगफली बेचते हुए, कितने लोगों ने देखा? तो क्या वो खड़ा रहता है या आवाज लगाता है? आवाज लगाता है, बताता है। यस, तो जब एक मूंगफली वाले को मूंगफली बेचने के लिए आवाज लगानी पड़ती है तो हमें अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं बताना पड़ेगा? हम लोग क्या समझते हैं कि हमारी टीम के सारे साथी रिजल्ट बताएंगे तो हमारी रिटेल हो जाएगी? नहीं, आपका कस्टमर आपका रिजल्ट देख के आएगा, मेरा रिजल्ट देख के आपका कस्टमर नहीं आएगा। हाँ, 100 में से 2 कस्टमर हो सकते हैं जो मेरा रिजल्ट देख के, कैलाश सर का रिजल्ट देख के, समन सर का रिजल्ट देख के, मनोज सर का रिजल्ट देख के, या और किसी साथी का, सोनू मैम का रिजल्ट देख के आ सकता है। मगर जो कस्टमर आपको जानता है वो आप ही को जानेगा, वरना क्या कहेगा, अरे ये तो सब फर्जी रिजल्ट है, कुछ नहीं, फोटो बना रखी है एडिटिंग करी। उनको नहीं पता है कि देवेंद्र जी पहले कितने मोटे थे, कैलाश जी कितने मोटे थे, कि वो जानते नहीं उनको। वो जानते किसको? आपको। ठीक है, तो अपनी रिजल्ट स्टोरी देना शुरू करिए। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर मान लो कैमरे के सामने रिजल्ट स्टोरी देने में प्रॉब्लम आ रही है तो आईने के सामने कह दीजिए, पेपर पे लिखिए, पेपर पे लिखिए। मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी जब दिया, मैंने रियली क्या करा, मैंने लिखा पेपर पे, मेरा नाम देवेंद्र डाणी है। फिर दूसरी लाइन लिखी, मैं भरपाई बैकग्राउंड राजनीति से बिलोंग करता हूँ। फिर तीसरी लाइन लिखी, मैं, मेरा लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस का व्यवसाय है। फिर चौथी लाइन लिखी, मैं राजनीति और लुब्रिकेंट के व्यवसाय की वजह से 20 दिन बाहर। ये मैंने लिखा, ये मुझे पता था पर मैं बोल नहीं पाता था। और वो पेपर अगर होगा तो मैं कल परसों में दिखा भी दूंगा, पड़ा होगा मेरे पास पेपर, कि वो मैंने याददाश्त के लिए रखा कि मैंने शुरुआत कैसे की, काम कैसे करना शुरू किया। तो आप लोग कर सकते हैं? कितने लोग हैं जैसा कर सकते हैं? यस, तो आप लोग अपना एक तो आफ्टर बिफोर बनाइए, और आपको आफ्टर बिफोर बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने स्पॉन्सर से पूछिए कि कैसे बनाते हैं आफ्टर बिफोर, और अपनी स्टोरी देना शुरू कीजिए। राइट, देखो बातें तो बहुत सारी हैं पर आज का समय भी काफी हो गया, तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। और आप लोगों की अगर इजाजत हो तो अपन सेशन को समाप्त करें, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया आज का, क्योंकि आज का विषय जो था वो बहुत अनबिलीवेबल था और इतनी शानदार नॉलेज थी। एक बार हम सभी लोग आज के जो गेस्ट स्पीकर थे उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, ताकि हम लोगों को लिए ऐसी इंफॉर्मेशन रोज लेके आते रहें। जो 1 2 3 कैलाश सर, थैंक यू सर, बहुत अनबिलीवेबल नॉलेज दी। और फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं, बाकी बातें अपन कल पे भी छोड़ते हैं कि कल क्या करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में, और सारी एक्टिविटीज करना शुरू करें, जितनी एक्टिविटीज करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।